नमस्कार दोस्तों, सोशल शोर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो कैसे हैं आप सभी लोग? सबसे पहले तो मैं आप सभी को क्रिसमस की बहुत बहुत बधाइयाँ देना चाहूँगा। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं कुछ अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगा, जो कि मेरा सोशल शोर, जो कि मेरे चैनल का नाम है, जो मैंने आज से लगभग 4 साल पहले स्टार्ट किया था। तो आज कुछ इसी के बारे में मैं डिस्कस करना चाहूँगा। आप सभी लोगों के आशीर्वाद और प्यार की वजह से बहुत ही कम टाइम पे जो अपनी बाइक ली थी, टीवीएस की अपाचे, और उसके मॉडिफिकेशंस रिलेटेड और उसके कुछ स्पेसिफिकेशंस और उसका ओडोमीटर से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन मैंने अपलोड करी थी अपने चैनल पे, जिस पे मुझे सबसे ज़्यादा रिव्यूज़ मिला हुआ है, जो कि था टीवीएस अपाचे का, अपनी बाइक टीवीएस अपाचे के डिजिटल मीटर के बारे में जाने। उस समय मैं बिल्कुल नया था, बिल्कुल फ्रेशर था, मुझे कोई एक्सपीरियंस नहीं था कैसे वीडियो बनाते हैं, कैसे क्या करते हैं। मैंने नॉर्मल अपने फ़ोन से ही उसे बना करके अपलोड किया था, और मैं जो एड कंटेंट वगैरह यूज़ जो एडिटिंग्स वगैरह करता हूँ जनरली कुछ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरा जो थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर है एडिटिंग के लिए, वो मैं काई मास्टर का प्रयोग कर रहा हूँ, जहाँ पर मैं अपने स्टोरेज से कंटेंट उठाता हूँ और उसको एडिट करता हूँ, जो कि पूरा जेन्युइन और फ्रेश रहता है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। और जो कि मेरा बैकग्राउंड या म्यूजिक होता है, वो मैं यूट्यूब स्टूडियो से यूज़ करता हूँ। सुनने में आ रहा है कि कोरोना की तीसरी लहर का भी इम्पैक्ट आने वाला है, तो सावधान रहें, सेफ रहें, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है वो यही है। और मैं थैंक करना चाहूँगा अभी अपने सभी उन चाहने वालों को जो कि स्पेशली टीवीएस अपाचे आरटीआर 4V के लवर्स हैं। जैसा कि मैंने देखा है अपने कमेंट सेक्शन पे, अपने चैनल के कमेंट सेक्शन पे, सबसे ज़्यादा जो मेरा पार्ट 1 जो था डिजिटल मीटर को जानने से रिलेटेड वीडियो पार्ट 1, उसको बहुत ज़्यादा प्यार दिया गया है, जिसमें मुझे 2,42,340 व्यूज़ मिले हुए हैं। इसके लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। और उस समय दोस्त, मैं यही कहना चाहूँगा कि उस समय मुझे बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं था कि ये कैसे बनाई जाती हैं, शूट कैसे होता है, कैसे अपलोड करना होता है यूट्यूब वगैरह पे। हालांकि अभी तो काफ़ी एक्सपीरियंस आ चुका है और धीरे धीरे मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि एक प्रोफेशनल यूट्यूबर बन सकूँ। और अगर आप सभी लोग ऐसा प्यार देते रहेंगे तो हो सकता है कि बहुत जल्द मैं एक अच्छा यूट्यूबर बन पाऊँ। सबसे पहले मैं अपनी ये कमी बता दूँ दोस्तों, मेरी एक ये छोटी सी कमी होगी कि मैं रेगुलर वीडियो अपलोड नहीं कर पाता हूँ कुछ समय और कुछ काम के अभाव की वजह से। बट मैं अब पूरी कोशिश करूँगा कि मैं आपको एक रेगुलर वीडियो प्रोवाइड करूँ, जो कि आपके डेली रूटीन, डेली लाइफ से रिलेटेड हो, सच एज़ पर्सनैलिटी डेवलपमेंट से रिलेटेड हो, या फिर सच एज़ एक पर्टिकुलर मोड पे, पर्टिकुलर सिचुएशन पे कौन सा डिसीजन सही रहेगा, कौन सा डिसीजन लेना चाहिए, जिसमें जो कि मैंने अपने टाइम पे एक्सपीरियंस किया, वो सभी चीज़ें मैं शेयर करने का पूरा प्रयास करूँगा। और दोस्तों, उस वक्त मेरे पास कोई भी किसी भी तरीके का प्रॉपर संसाधन नहीं था एक प्रोफेशनल यूट्यूबर के लिए। आज मेरे पास अच्छा खासा एक ट्राईपॉड भी है, एक 64 मेगापिक्सल्स का कैमरा है जो कि स्मार्टफोन के साथ में अटैच्ड है, और मैं ये अच्छी क्वालिटी का एक माइक्रोफोन यूज़ करता हूँ, और कंटेंट्स एडिटिंग के लिए मैं लैपटॉप का यूज़ करता हूँ और इंटरनेट का प्रॉपर यूज़ करता हूँ। जो भी स्क्रिप्ट या कोई भी ऐसी चीज़ जो खुद डेवलप करता हूँ, उसके लिए डैशबोर्ड है मेरे पास में, और मेरा जो भी आपके पास बैकग्राउंड देख सकते हैं, सारा कुछ जेन्युइन है। कोशिश करूँगा कि इसे छोटा सा और अच्छा सा स्टूडियो में अपग्रेड कर पाऊँ और आप सभी के लिए एक अच्छी वीडियो पेश करने की पूरी कोशिश करूँगा। मेरी काफ़ी ऐसी वीडियोज़ हैं जो कि आप लोगों के द्वारा पसंद की गई हैं। सोशल शोर के साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।